बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स क्रमशः एक्स माइनस दो और माइनस दो एक्स प्लस चार प्राप्त होता है। तो बहुपद क्यू एक्स बहुपद जी एक्स ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में क्या दिया है, यदि एफ एक्स को जी एक्स से भाग लगाएं तो भागफल तो आता है x माइनस दो, शेषफल आता है माइनस दो एक्स प्लस चार। अब हम जानते हैं विभाजन एल्गोरिदम से भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल भाज्य के बराबर होता है। विभाजन एल्गोरिदम से भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। तो यहाँ प्रश्न में क्या दे रखा है, भागफल है x माइनस दो, एक्स माइनस दो लिख दिया, भाजक क्या है जी एक्स है, भाजक हमने जब जी एक्स से भाग लगाया है इसलिए भाजक क्या है जी एक्स, प्लस शेषफल क्या है माइनस दो एक्स प्लस चार, और भाज्य है हमारा एफ एक्स अर्थात एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो। हमने जो मान हमें दिए गए हैं उसे विभाजन एल्गोरिदम में रख दिए, अर्थात हम यहाँ से प्राप्त करते हैं कि x माइनस दो इंटू जी एक्स बराबर क्या हो गया, पक्षांतरण किया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो में, जब माइनस दो एक्स दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का दो एक्स हो जाएगा, प्लस का चार जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का चार हो जाएगा। हमने पक्षांतरण कर दिया अर्थात सरल करने पर मान क्या आ गया, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो बटे एक्स माइनस दो। एक्स माइनस दो वज्र गुणा से दूसरे पक्ष में जब जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका हर बन जाएगा। अब हमें जी एक्स प्राप्त करने के लिए एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो में एक्स माइनस दो का भाग लगाना है। विभाजन करते हैं तो भाग लगाने पर हम पाते हैं कि एक्स माइनस दो हमारा भाजक है, भाज्य यहाँ क्या है, भाज्य है एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो। पहला पद देखते हैं, एक्स क्यूब हमें प्राप्त करना है तो यहाँ एक्स माइनस दो को हमें एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, गुणा किया तो हमें मिलता है एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वायर। चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हो गया ये, प्लस का यहाँ आ गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का तीन एक्स और माइनस के दो हमने एज इट इज नीचे उतार लिए। तो हमें अब माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त करना है, स्पष्ट है एक्स माइनस दो को हमें माइनस एक्स से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स हमने यहाँ लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स हमें प्राप्त होता है। पुनः घटाने के लिए चिन्हों को बदला, चिन्हों को परिवर्तन किया, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस तीन एक्स माइनस दो एक्स आता है एक्स, और माइनस दो हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब भाग एक बार जाएगा तो प्लस एक यहाँ लिखा, एक्स माइनस दो यहाँ लिखा, घटाया तो हमें शेषफल मिला शून्य, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक यहाँ हमने भागफल प्राप्त किया है। तो जी एक्स का मान क्या हो गया, जी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक।